श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथ त्रयोदशोध्याय। भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशयनाश। जड़भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुखरूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्थिर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसीलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस, तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, इस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वाणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है, तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं, तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता, घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल आगीय बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धुमाच्छादित सी हो जाती है और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसी दिशाओं का ध्यान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है, कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है, कभी जलही नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, और कभी यक्षलोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है, कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है, और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है, कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है, कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है, कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है, उस समय इसे कोई सूझबूझ नहीं रहती, कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखों में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है, कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं, कभी शीत, घाम, आधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है, कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया, आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते, तब दूसरों से याचना करता है, मांगने पर भी दूसरों से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेषभाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाहादि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हो को साथ लिए वह बनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े द्विकपालों को जीत लिया है और धीर
वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में झूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों की प्राप्त होता है। जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाले यह बनिजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। इसीलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपने आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेहपाश में बन जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डर कर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रुदमन यदि किसी प्रकार उसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रघुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसीलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रघुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अनान्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके दो घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांतचित्त और उपरतेन्द्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रघुगण ने भी अंतकरण में अविज्ञावश आरोपी देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविज्ञा ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है, वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। हरे कृष्णा।